हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल वेदनुलेखा। मिक्स कंटेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए दूध से कलाकंद। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई होती है, और जैसे आपका दूध बच जाता है तो ये घर के बचे हुए दूध से ही मैंने बनाया है। तो फिर हम चलते हैं कि ये कैसे बनाना है। ये मैंने दूध लिया है, 2 लीटर है जो कि बच गया था। अब मैं इसे कढ़ाई लूँगी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये पानी मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि दूध बेस में ना लगे, कढ़ाई के बेस में ना लगे। और ये देखिए, ये दूध है और जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये देखिए ये ऐड हो गया है दूध, ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमें मलाई को नहीं निकालना है। ये जो मलाई है, आप बिल्कुल मलाई को मत निकालिएगा। इस मलाई के साथ ही हम दूध को उबालेंगे, ये देखिए। अब ये दूध को हम अच्छे से उबालते रहेंगे। ये दूध उबलने में तो फ्रेंड्स टाइम लगता है। इसे हम ओटेंगे, जैसे हम बोलते हैं, जैसे ओट ओट के हमें मावा बनाना है तो इसमें टाइम तो ज़रूर लगता है। ये मिठाई 10 मिनट में बनने वाली नहीं, मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स तो इसमें लगेंगे ही। ये देखिए, ये आपके देखिए किनारे किनारे में जो मलाई लग चुकी है उसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा आप इसे अपने डाड़ू या करछी से निकाल लीजिएगा, ये देखिए ऐसे। अब आपको इसे चलाते रहना है बिल्कुल भी, और इसमें आप बीच में ऐसे चम्मच को छोड़ दीजिएगा। ये देखिए, दूध मेरा हो चुका है। ये देखिए कैसे इसमें ये मावा में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए। धीरे धीरे चलाते रहना है आपको फ्रेंड्स, बिल्कुल दूध को छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये देखिए, ये हम चलाते रहेंगे, ये देखिए। और बीच और किनारों में से आपको ये थोड़ी थोड़ी जो मलाई है उसको निकालते रहना है। ये हमें दूध चलाते रहना है। ये दूध की मिठाई बनने में तो टाइम लगता है फ्रेंड्स, पर बनती बहुत स्वादिष्ट है। इसीलिए आप ये मिठाई ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इसे ट्राई करके आप मुझे बताइएगा कैसा है। अब मैं ऐड कर दूँगी इसमें नींबू का रस, मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर नींबू का रस ऐड कर दिया है थोड़ा सा, जिससे कि हमारे जो दाने हैं ना वो अच्छे से खिल खिल के दिखे, इसीलिए मैंने यहाँ पर नींबू का रस ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से चलाते रहूँगी, ये देखिए। ये देखिए, अब मैं ऐसे ही आपको चलाते रहना है, ये देखिए। ये देखिए, अब मेरा ये दूध है जो मावा में कन्वर्ट हो गया, मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर, मीन्स चीनी। चीनी आपको आपके स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड करना है, कितना आपको मीठा खाना है। ये देखिए, ऐसे अब हमें और अच्छे से चलाते रहना। अब हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर दूध बहुत जल्दी नीचे लगेगा, नहीं तो वो जले वाली बात फिर एक मिठाई पे आएगी, स्मेल आएगी। ये देखिए, आपको चलाते रहना है बिल्कुल। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखिएगा, ये देखिए। ये देखिए कलर कितना सुंदर हो गया है, कलर बिल्कुल हमारा जो कलाकंद के कलर होते हैं ना उसमें ये कन्वर्ट हो रहा है, ये देखिए। अब ये देखिए, चलाते रहना है आपको, चलाते ही रहना है इसे अच्छे से। और साइड साइड में से जो मलाई है उसे भी आप टाइमली टाइमली निकालते रहिएगा, ये देखिए। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरा हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैंने एक टिन लिया है, इस टिन में मैंने घी या ऑयल आपको लगा देना है बेस में, ये देखिए मैंने लगा दिया। अब मैं इसमें अपने कलाकंद जो मैंने किया है उसे मैं अच्छे से लगा के डिप कर दूंगी, और थोड़ी देर में इसे, ये देखिए ऐसे सेट करना है, ये आप सेट करते रहिए, ये देखिए। और अब मैं इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी, ये देखिए सेट होने के लिए। अब ये देखिए सेट हो गया। अब मैं इसे ये चाकू से, आप या चाकू लीजिए या कोई भी आप अच्छे से पैनी चीज़ लेके इसमें साइड साइड से आप इसे पहले बेस में से हटा दीजिए। हाँ,
अब एक प्लेट लेना है, इस प्लेट को उल्टा करके इसे अच्छे से आप थपथपा के निकाल लीजिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने काट के आपको बताया, ये मेरी मिठाई रेडी है। अब आप ऐसे ही बना